और भाई सभी साथियों से निवेदन है जल्दी से जल्दी मंच के सामने पहुंच जाएं। एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपके बीच में शुरू होने जा रहा है। ये चाची ताई जितनी भी दूर दूर खड़ी हैं थोड़ी नजदीक से आ जाओ, ठीक ठाक दिख जाएगा। आड़े उड़िया में मत देखो, सीधी डायरेक्ट देखो, है ना। एक बहुत बढ़िया एक घरेलू एक सभ्य प्रोग्राम है आपके बीच में और ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें ना कोई गाली गलौज होता ना कुछ होता। एक हमें भी पता है कि इस तरह के कार्यक्रम जब आप घरों के बीच में करते हैं जहां माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, तो उनका आशीर्वाद जब हमारे साथ रहता है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इस मंच से कि भाई हम भी आपको एक साफ सुथरा एक अच्छा कार्यक्रम दें। तो साथियों ये जो स्टेज ऐप आप देख रहे हैं फोन में, आजकल ओटीटी का जमाना, और हरियाणा की जो धरती से जुड़ी और फिल्म है, धरती से जुड़ी और जो बात है, धरती से जुड़े और जो हमारा हरियाणवी प्योर कल्चर है वो इस स्टेज ऐप पर मिलेगा। और ये आप देख रहे हैं पोस्टर में दादा लक्ष्मीचंद, एक बहुत ही गजब की, मैं तो ये कहूंगा जैसे फिल्मों में आपने देखा ना भाई, फिल्म में आप देखो हो कि भाई वो पुराने जमाने में ले जाए हैं, पुराने जमाने में ले जाए हैं, वो उस तरह का जो बैकग्राउंड है, उस तरह की जो सोसाइटी वो क्रिएट सोसाइटी बना ले हैं। जैसे गदर फिल्म देखी आपने, गदर में वो डायरेक्ट पाकिस्तान तो नहीं गया था ना, लेकिन जो हाव भाव है, जो वहां की जो सड़कें थी, जो गली कूचे थे, वो सारे बनाए गए थे हाथों से कि भाई आपने वहां का कल्चर देखा है। तो आप देखोगे ये दादा लक्ष्मीचंद फिल्म जब आप देखोगे तो सच में आप ये पूरी करके जब उठोगे तो आप सच में भीतर लदन्यो पूछे भाई सच्ची में दादा लक्ष्मीचंद की याद दिला दी, सच्ची में उस कल्चर में पहुंच गए। हाँ भाई धुमा होगा धूला भैया, थोड़ा धूला है कोई बात नहीं, ये भी धूल दपाटा में आकर शुक्र है जो रात वाले कंपटीशन ना हो तो डलिया में होया करते। देखे होंगे आपने मारे होंगे, किस किस ने मारे एक बार उठाइयो। अच्छा गलत काम नहीं करे हैं, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दे पर इस बात का तर, क्योंकि जी कंपटीशन हमने भी देखे। हाँ डले तो देखो मारे हैं, दो बार मारे हैं, बहुत छोटे थे डोले पड़ पड़ कर खेस भर कर लिया आकर, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये बहुत साफ सुथरा है आपके बीच है और हमारे बीच आज हरियाणा के बहुत ही फेमस कलाकार भाई विकास सातरोड और ज्योति गिल और कृष्ण सिंह, ये हमारे बीच रागिणी कलाकार हैं जिन्होंने हरियाणा पूरे हरियाणा में पूरे देश में और मैं तक देश नहीं विदेशों तक कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, विदेशों तक हरियाणा के संस्कृति को हरियाणा के कल्चर को पहुंचाया है। और इसी कड़ी में चलिए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं लेकर दादा लक्ष्मीचंद का नाम। एक बार दादा लक्ष्मीचंद की जय बोल दो, दादा लक्ष्मीचंद की। उसी संस्कृति में उसी कल्चर में पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक भाई, अशोक सिकाना जी को, वो आपके बीच में एक बहुत ही प्यारी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं, आप उसका तालियों से हौसला बढ़ाएं। अशोक सिकाना जी हेलो 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 सभी गुणा निवासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। आपके सामने ये दादा लक्ष्मीचंद का कार्यक्रम है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बातें समझाने के लिए हमारा ग्रुप आया हुआ है।
और अच्छी अच्छी रागनियां, अच्छे अच्छे भजन आपको सुनाएंगे। तो एक भजन का मौका हमें मिला है, तो कैसे कैसे बताएंगे? ए जीवन सुमर लिया जगदीश, शरीर प्रकाश सतगुरु मिले नित चरण नवाऊसी। एक इंसान के बारे में लिखा कवि ने, इंसान अच्छे कर्म करेगा तो खुद अच्छा फल पाएगा और बुरे कर्मों का तो बुरा नतीजा होता है। तो उस कवि ने बताया, जितना अच्छा करेगा उतना ही भगवान आपको अच्छे दिन देगा और बुराई का कोई अंत नहीं होता। तो इंसान के बारे में दूसरे लाइन लिखी, तो कैसे बताया? Oh,
श्री मंगेराम गुरु की सेवा सबसे उत्तम मंगेराम गुरु की सेवा सबसे उत्तम हो श्री मंगेराम गुरु की सेवा सबसे उत्तम दान वर सत्य लोक की सर करे कर सत्य लोक की सर करे तो मिल जाएंगे खुद भगवान मानते आपके सामने आई। हेलो हेलो बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया यार अपना तालियों से तो प्यार दे दिया करो। देखो कलाकार की एनर्जी होती है आपकी तालियां जैसे फोन को बैटरी से एनर्जी मिलती है ना तो कलाकार को अगर तालियां मिलती रहे ना तो वो उतना ही चलता रहेगा। चलिए हेलो हेलो और चलिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है आप सबको पता है स्टेज ऐप हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उस हरियाणवी कल्चर को जिंदा रखने के लिए और उसी अपनी हरियाणवी संस्कृति को एक और मजबूती प्रदान करने के लिए जो स्टेज ऐप आपके बीच में है ये नए साथी खड़े हैं भाई स्टेज ऐप सारे डाउनलोड कर लियो। किस किसने नहीं कराया है जिस जिसने नहीं कराया है बहुत अच्छे अच्छे भी ऑफर लेकर आवे है बहुत अच्छा अच्छा कल्चर जो अपना हरियाणा का है वो आपके सामने लेके आवे है। तो जितने साथी खड़े हैं जो अपना एंड्रॉइड फोन चलाता है जैसा ही फोन चलाता है भाई सारे स्टेज ऐप डाउनलोड करो और उसमें हरियाणा कल्चर को देखो हरियाणवी हास्य को देखो हरियाणवी रागनी देखो हरियाणवी फिल्म देखो और ये इतनी बड़ी फिल्म जिसने पूरे देश में दुनिया में जिसका डंका बाजा अपने ये बड़े बूढ़े बैठे हैं इन सबको पता है कि रागनी के कितने बड़े बड़े महारथी हुए दादा लक्ष्मीचंद मांगेराम धनपत बाजे भगत ये नाम हमने सुने हैं आप लोगों से तो इन्हीं में से एक बड़ा नाम है दादा लक्ष्मीचंद का और उसी कल्चर को जिंदा रखने के लिए उसी कल्चर को बचाने के लिए स्टेज ऐप ने एक बीड़ा उठाया और आपके बीच में एक फिल्म लेकर आ गई दादा लक्ष्मीचंद। और इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं साथियों मैं सोचता हूँ हम तो बचपन में देखा करते छोटे छोटे थे लेकिन आजकल गाँव में देखते हो इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम हो गए। ये टेलीविजन के इसे प्रोग्राम आने लगे इतनी भू हड़ताल लगी इस तरह के कार्यक्रम तो छूटते चले गए। अगर ये कार्यक्रम आज स्टेज ऐप न करा है तो एक बार स्टेज ऐप के लिए जोरदार तालियां। तो इसी कड़ी में मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ श्री कृष्ण जी ने कि वो आपके बीच में आए और एक अच्छी सी प्रस्तुति दे श्री कृष्ण जी। हेलो 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 तू ही हेलो हेलो तू ही तू ही तू ही तू ही आरी सरस्वती वास कर माई मेरे घट के पर देखो एक रसना परवासा करो तो मई शुद्ध शब्द मुखी हो ये जी मन सुमर लिए जगदी ब्राह्मण गोपी राम सती गुरु मिले सती गुरु मिले गुरु जी
कहूँ चरण निवा के तो आइएगा। सबसे पहले बहुत ही आदर मान सम्मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और जहां तक आवाज सुनाई देती मेरी माताएं बहनें छोटे बच्चे, सबसे पहले हमारी तरफ से पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। और देखिए आज जैसा कि मेरे भाई ने बताया आपके बीच में ये स्टेज ऐप के माध्यम से कार्यक्रम दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर एक बहुत बड़ी फिल्म बनी जिन्होंने इस समाज को आईना दिखाया। दादा लक्ष्मीचंद ने इस समाज को शिक्षा दी। आएगा एक भजन आपके सामने, बस देखिए हर एक चीज के पीछे कारण होता है। कोई भी कार्य हो बिना कारण के इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। गौर करना इस भजन के अंदर कौन सी चीज के पीछे कारण है। क्या लिखा बांटन वाला बांटे रे कोई कारण होगा। ये परमात्मा देता किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। और गौर करियो एक आदमी सारी उम्र ठगी का खावे वो आदमी जो कमाए एसी में सुविधा पावे, और एक आदमी सारी उम्र जमींदार करे मेहनत करे अपना पसीना बहावे प्रेमी सुनो उसने कमान सोन खातर काट भी नहीं मिले। कोई तो कारण है। किसी की राह में फूल खिले 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 किसी की राह में कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा ओ कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा छोटे भाई हरियाणा के सुपरस्टार कलाकार छोटी उम्र के अंदर बड़ा अच्छा नाम कमाया भाई विकास सातरोड़ ने जिन्होंने हमारी हरियाणवी संस्कृति को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाया है। ऑस्ट्रेलिया में गए इन्होंने कार्यक्रम किया हमारी गढ़वे बंजी के ऊपर रगड़ी 500 रुपए से इस भजन पे खुश होकर के मेरा मान सम्मान करते एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और सुनो बता भाई किसी की राह में फूल खिले हैं किसी की राह में कांटे कोई कारण होगा। जब हम इस दुनिया के अंदर जन्म लेते पैदा होते इस दुनिया के अंदर सबसे पहले बेमाता क्या लिखती है, सबसे पहले बेमाता तकदीर लिखती है, उसके बाद में ये शरीर बनता है। कैसे पहले बनती है तकदीरे फिर बनता है शरीर रे। पहले बनती है तकदीरे फिर बनता है शरीर।
पहले बनती है तकदीरे फिर बनता है शरीर रे। वो पहले बनती है तकदीरे फिर बनता है शरीर। अरे कोई तो राजा कोई भिखारी, 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 कैसा तू संत फकीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। किसी की राह में फूल खिले, किसी की राह में फूल खिले, किसी की राह में पाके, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया उस परमात्मा ने बनाई है। ऐसी दुनिया बना दी, चाहे कितना लाचार हो आदमी, बेबस हो, ये जाने का दिल नहीं करता यहाँ से। ओ दुनिया बनाने वाले, ओ दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। चुप चुप तमाशा देखे, चुप चुप तमाशा देखे, वाले ले तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। हेलो, और ये 50 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान किया गया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, और मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। ओ दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। वो मेरी विनती सुने तो चालू हो रहा हो रहा, वो मेरी विनती सुने तो चालू मानू तुझे मेरा, वो आराम नहीं तो कर दूंगा सार जग में तुझे बदला। दुनिया में तेरा है बड़ा, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया था। और नंबर दो में गौर से सुनना, कारण अगर हम समुद्र के किनारे खड़े हो और हमारे को प्यास लग जाए, समुद्र के किनारे खड़े प्यास लग गई लेकिन प्यास नहीं बुझा सकते, ये भी कारण है। हेलो, क्या लिखा? सागर से भी बुझ ना पाए किसी के मन की प्यास रे, ओ सागर से भी बुझ ना पाए किसी के मन की प्यास रे, हर सागर से भी बुझ ना पाए किसी के मन की प्यास रे, सागर से भी बुझ ना पाए किसी के मन की प्यास। अरे एक बूंद से हो सकती है, एक बूंद से हो सकती है, एक बूंद से हो सकती है, एक बूंद से हो सकती अरे किसी की पूर्ण आस रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं, कोई बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन रे,
का बिस्तर मिल जाए और नींद को तरसे नैन रे। अरे तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन रे। हमें ज्ञान कहाँ मिलता है, हमें शिक्षा कहाँ मिलती है, हम किस चीज को भगवान मानते हैं, कहाँ है भगवान? अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सबको मिलता ज्ञान रे। ओ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सबको मिलता ज्ञान रे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सबको मिलता ज्ञान रे। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सबको मिलता ज्ञान रे। मट्टी के माटी मिल जा, मट्टी के माटी मिल जा, पत्थर में भगवान ने कोई कारण होगा। अरे कोई कारण कार्यक्रम आपके बीच में। तो साथियों, ये हरियाणवी कल्चर को बचाना है, उस हरियाणवी संस्कृति को अगर आगे बढ़ाना है तो इस तरह के कार्यक्रम आपने करवाने होंगे, और जो इस तरह के कार्यक्रम करता है उनका सहयोग आपने देना होगा। तो ये स्टेज ऐप आपके बीच में लेकर आ रही है, ये इस तरह के कार्यक्रम जो हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी रागणी को, हरियाणवी जो पुरानी संस्कृति थी, हरियाणवी फिल्में थी, उनको आपके बीच में लेकर आ रहा है। तो हम बार बार धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं हम इस कार्यक्रम के सहयोगी रामफल रोहिल जी, मास्टर जी, वो इस कार्यक्रम के सहयोगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। रामफल जी यहाँ बैठे होंगे। अच्छा, और जी मास्टर राम नरेश माजरा जी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और विशेष तौर पर हम इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करते हैं राजेंद्र रोहल जी, राजेंद्र रोहल जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम में सहयोगी होने के लिए। एक बार इन सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां दें। और बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो देखो हरियाणवी कल्चर की बात करूं, हरियाणा में तो जी देखो आशय गजब का होगा। हरियाणा में बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, ताई भी बैठी हैं, बूढ़े मारे इतने गजब क्यों हो जी? साची बताऊं तो देखो, मैं अशोक बरोदा हूँ, मेरा बरोदा गांव है गोहाना साइड, गोहाना पड़े बरोदा लगा। तो मैं बूढ़े कितने गजब क्यों हो, देखो ये बूढ़े बैठे हैं। एक बूढ़ा की गलत खबर चली गई, अग भाई बीत ली, अब वो लुगाई पता ही आग रहा है, हाँ हूँ करती कंटर पर कनिया आग रहा है, ए मना गए बैठा पाइये, और वह रोंदी रोंदी छोरी भीतर पड़ी, बूढ़ा शामी हो कपीन लाग रहा, बूटा बोले बेटी कौन है? बोले पूछ ना बाबू, यह मेरी दुरानी है, पिछले साल इसका धनी बीत गया था, फिर यह छोटने का बिठाई थी, छह महीने पहले कोरोना मोह उठ गिर गया, फिर यो चाचाड़ा रह रहा था, उसका बिठाई थी, ढाई महीने पहले एक्सीडेंट में गुजर गया। देखो बूढ़े मारे कितने गजब के हैं। बोले ए बेटी कहते एक बार मेरा भी लत्ता उड़ लेगी, मेरे भी प्राण से छूट जाएंगे। तो मारा तो बूढ़े जी बड़े गजब के हैं।
ये सारी चीजें आपकी देन है। ये हरियाणवी जो हास्य बोलते हैं ना, गर्व से बोलते हैं। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हम गर्व से बोलते हैं कि हम हरियाणवी है। देखो अपने बच्चों को कन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, विदेश भेजो, कहीं भी भेजो, लेकिन उसको अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता जरूर सिखाओ। है कि नहीं? गलत कर रहा हूं या ठीक कर रहा हूं? अगर ठीक कर रहा हूं तो एक बार तालियों से अपना प्यार दे। और इसी कड़ी में चलिए मैं शुरुआत कर देता हूं। आपने महाभारत का युद्ध शुरू होया करता तो उसमें शंखनाद होया करता, शंख सुना ना? महाभारत जब शुरू होया करती शंखनाद होता था। तो शंख तो मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन शंख मेरी मुंह में है, मेरी जुबान में है। वो शंख के साथ मैं विकास भाई को स्टेज पे बुलाना चाह रहा हूँ। शंख की ध्वनि कैसे बजती है, शंख कैसे बजता है? अगर शंख वाक्य में आपको लगे कि आप तक पहुंच गया, उसकी आवाज आप तक पहुंच गई, तो तालियों से अपना प्यार दीजिएगा मुझे। शंख कैसे बजता है? चलिए मैं आपके बीच में हरियाणा की वो हस्ती, हरियाणा का वो कलाकार, हरियाणा का वो लाल जो हरियाणवी मिट्टी में पला बढ़ा और हरियाणवी कल्चर को विदेशों तक लेके गया, और ये आज स्टेज ऐप की मेहरबानी है कि आपके बीच में हमारे भाई विकास सातरोड़ जी हैं। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। विकास सातरोड़ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। भाई कृष्ण सुदामा मिलन से बहुत हुए आनंद, श्री रमेश कल्हावड़ सतगुरु मिले रहूं सेवा में पाबंद। भाई इसका बेस खत्म कर दे। भाई सभी सज्जन साहिबान, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, घरों में बैठी मेरी माताएं, मेरी छोटी बड़ी बहनें, आप सभी को आपके भाई आपके बच्चे विकास सातरोड़ और इस पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। एक बार सभी साथी मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भवानी आलगिरी महाराज की जय हो। भाई लगातार दो साल में ये पांचवा प्रोग्राम है मेरा इस गांव में, और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ इस गुणा गांव का जो लगातार हर कार्यक्रम में मेरे को इतना मान सम्मान देते हैं। सर्वप्रथम मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र रोहल जी का, जो बड़े अच्छे ही संस्कृति प्रेमी है और शुद्ध शुद्ध चीजें सुनने का शौक रखते हैं। और वैसे तो ये सारा गुणा गांव ही नहीं, पूरा कैथल का क्षेत्र, यहाँ हमने कभी अश्लीलता फैलती नहीं देखी रागणी सांगों में। और ये गांव तो भाई इतने प्रोग्राम कर लिए, यहाँ भी मंदिर में भी शुद्ध रागणी आप लोग सुनते हो, इसके लिए आप बधाई का पात्र हो। आज बड़ी खुशी होती है केवल रागणिया में और लुगाई सुनन आ रही,
कितने साल पहले बुढ़ी सांग लेके सांग सुन जाया करती पिंडे लेके, लेकिन आज इतने साल के बाद हमने देखा हमारी माताएं यहाँ बैठी है। ये हमारे लिए तो गर्व की बात है ही, आपके लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि आज भी आपके गांव में शर्म और संस्कार संस्कृति बच रही है। इसके लिए आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओगे। और मेरे लिए आदरणीय मास्टर रामफल जी रूल साहब जो हर साल कार्यक्रम में बड़ा सहयोग करते हैं, और मेरे बड़े भाई जिनके लिए मैं सुदामा हूं, रियो मेरा भाई किरसन है, मास्टर राम नरेश माजरा जी हमारे बीच पहुंचे हैं नंदकरण माजरा से, भाई का भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद। और यो गुणा गाम भाई मैं अपना गाम मानता हूं, तो इस सटेज ऐप की जो टीम आ रही हिंड का मैं गुणा की तरफ तो मैं भी स्वागत कर सकूं क्योंकि मेरा है गाम मानू मैं गुणन है। तो भाई मोहित धीरज और हिंड की टीम आई हुई है, मेरे से पूर्व भाई किरसन सिंह ने बहुत ही जबरदस्त बहुत अच्छा भजन सुनाया। आज यहाँ आने का कारण क्या है सजनों सुनो, आजकल सारे फोन रखे हैं, छोरे तो रखे हैं बुढ़िया पप्पा जी, फोन में एक प्ले स्टोर हो, प्ले स्टोर में जाओ लिख दो सटेज ऐप, सटेज ऐप या लिख रखी स्पेलिंग यो नगाड़ा बैठे इसके पास है एक बत्री नाड़परन सर का, ये भाई तो ना सर का नाड़ सर का दे, ये सटेज ऐप है भाई, इसने डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर में है असली जो हमारी संस्कृति होया करती सजनों, पुराने सांग रागनी भजन फिल्म यूट्यूब पर देखना चाहोगे ना रागनी केवरा इसी चीज लिख दिया होगी जो घर क्या दौरे बैठ के सुने नहीं सकते, देखना तो दूर फेसबुक चला लियो फोन चला लियो इसी चीज आज एकदम, और आजकल तो चाहे महाभारत देख लो उसमें भी बीच में इसी मसूरी आ जाएगी सारा कुनबा शर्मिंदा हो जाए महाभारत में भी। लेकिन सटेज ऐप ऐसी एप्लीकेशन है लोगों, ना तो कोई रुपया लगता डाउनलोड करने का, ये युवा साथी बैठे ये तो फोन काट लो थारे करे लो प्ले स्टोर में, जिन नहीं करा की काटो भाई प्ले स्टोर खोल के उसमें लिखो सटेज ऐप, कोई रुपया नहीं लगेगा डाउनलोड करने का। ऐसे ऐसे सांग रागनी भजन है सजनो सुन सुन के निहाल हो जाओगे, यार कुनबद हो रहा बैठ के सुन लियो चाहे भाई, कोई ऐसा शब्द नहीं आओ जिस तो शर्मिंदा होना पड़ा। और एक और खुशी की बात है, दादा लक्ष्मी फिल्म आई थी पिछले साल, किस किस ने देखी सिनेमा हॉल में, कोई गया था भाई देखने, कोई एक आधा भाई गया होगा, ईवीस एप्लीकेशन वाला फिल्म थारे घर आए भिजवाई थी थारे फोन में आएगी भाई, किते जाने की जरूरत नहीं, फोन काटो स्टेज ऐप डाउनलोड करो उसमें दादा लक्ष्मी फिल्म देखो, एक बार दो बार तीन बार चार बार जय बार जी करो उतनी बार देखो, सिनेमा हॉल में तो एक रोड़ा और हो गया है, वो हमारे गांव का एक बूढ़ा चलिया गया हमारी ताई ने लेके ना फिल्म दिखाने, वो फिल्म चल रही थी अमिताभ बच्चन नाचन लग गया उसमें राम बरस गया फिल्म में, राम बरसते हुआ ताई तो खड़ी हो गई भाजली गेल गेल होता हुआ गा ताई गेट में बोले के हो गया बोले अरे पर बोले राम बरस गया हमारे गोसे भी जज पे, तो भाई वो बड़ा काला एक जा फिल्म में तो, लेकिन फोन पर अपना घर बैठे कितनी देर तक फिल्म देखो और कई बार देखो भाई। और भाई अशोक बरोदा जो बहुत बढ़िया मन संचालन कर रहे हैं भाई आज के कार्यक्रम का, इनका भी धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ में मैडम ज्योति गिल आई हुई हैं, वो भी बहुत बढ़िया रागनी आपको सुनाएंगी, और भाई ने शंख बजा के दिखाया था, अरे तो भाई अड़क के थड़का नहीं आया कोनी, जरो तक मैं शंख बजाओ और तो पानी पत्ता ही सुनो इसका शंख, यो थोड़ा टेम्पो है यो अड़न आया कोनी जाता इसने मंदा शंख बजाया, ओ एक छोरा हरिद्वार जाता अरे बुढ़ा मिल गया नुबलिया बेटा किस जाए बोले ताऊ गंगा नहाने जाऊं, नुबलिया भाई मेरा खातर के ले आओगे बोले बता ताऊ के ले आऊं, नुबलिया भाई हरिद्वार जा एक शंख ले आई दिए मैं ठीक सताऊ ले आ दूंगा, हरिद्वार चलिया गया ऋषिकेश घूम लिया नीलकंठ गंगा नहा लिया, दो तीन दिन में उल्टा आया गा मैं जब याद आई एक बुढ़े का शंख रह गया, नुबलिया बुढ़ा तो सारी उम्र का उलाना देगा, गांव की चढ़िया आगे वो टपत है गदा मरिया पड़िया था, और वो गदा खा रहा क्या किसी ने वो गदे की खोपड़ी पड़ी डट जा के कहानी तो तेरे के बारे ना गान लाग रहा प्रोग्राम में बंद कर दिया आराम तो बैठ जे सारा गांव में तो ही न्यारा रह रहा एक सारा गांव में भाई आराम से बावड़ा आदमी है अरतरब अकेले रखे अरतरब हमने
गड़बड़ है तो फिर भर्ती कराए जो नहीं ले। कोई बात नहीं, छोरा आ गया, मैं बोले बूढ़े का संख रह गया, उलाना हो गया सारी उम्र का, एक कदम मरिया पड़ा उसकी खोपड़ी पड़ी, वो छोरा ने वहा ठाई उसमें पुरुष मारिया साफ करके और धोली दिन बोले लेता उतरा संख, ताऊ ना घाट दिखा उसे ने संख मार गया, साना घर ले गया, गंगा जल गल धो लिया, मांझ लिया, पीतांबरी गल मांझ भूंज के तड़काऊ को होने लगी आरती और उसमें मारी फूक की सा संख बाजार पार गई। जानदा यार पार बोलिया भाई छोरा संख तो लिया थारी द्वार तो पर किवन किवन गड़बड़ रहे थी, उल्टा है जाय लिया, बोलिया ताऊ क्यों करा रहे हो, बोलिया भाई तू संख लिया था, बोलिया हाँ, बोलिया यो बाजदा तो कोनी, बोलिया ताऊ टेम की सी तीसी हो रही हो बाजिया करदा ना जब गोवंडा तई सुनिया करदा, ओ भाई यो आड़ ना आया कुंजा तो मंदा बजा है इसने ना रोहतक में बजाओ तो गोवंडा तई सुना भाई का संख। तो आइए भाई इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, एक रागनी आपको सुनाते हैं जिसकी फरमाइश भी है और मौका भी है। सजनों पीछे 12 तारीख को दीपावली का त्योहार था, सजनों पूरे देश में रंग चा से यह त्योहार मनाया गया और हर वर्ष मनाया जाता है। एक रागनी उसी दिन की आपको सुनाता हूं जिस दिन दिवाली का त्योहार था, उस दिन सारे गांव में रंग चा लाग रहे लेकिन जमींदार के घर की क्या हालत थी दिवाली के दिन। पंडित ज्ञानी राम की कविता ही आपकी सुनी सुनाई राग रही है भाई। दिवाली के दिन जमींदार जो इस देश का पेट भरता है, जो अन्न पैदा करता है धरती की छाती पाड़ के, लेकिन उसके घर कैसी हालत होती है दिवाली के दिन, एक रागनी के माध्यम से सुनना बात। नू बोलिया रे कातक पति अमावस थी, रैलो को दिन था खास दिवाली का, मेरी आख्या के मां आंसू आगे मन कर देखा जब आड़ी आए रखात तो बड़ी अमावस्य और जनता का दिवाली का और आख्या के मां आंसू आगे कर दे जब और रखात तो बड़ी अमावस्य और जनता का दिवाली का आख्या के मां आंसू आगे कर दे जब तक बदी अमावस थी और दिन था खास दिवाली का, एक हफ्ता ही होया है लोगों इस त्योहार में, अरनु बलियार मेरी आख्या के वहां आंसू आ गए मन कर देखा दिवाली का, के हाल था उस आई के घर का, घर बारण के कर रही और पड़ोस में तो लोगों को कारान लाग रही खीर पूरी अलवे, लेकिन वहां जमींदार के घर पे गरीबी और उस गरीबी का वर्णन सुनना भाई पंडित जी की कविता से क्या बताया नंबर पर।
कार्यक्रम में मेरे सहयोगी रहे, आशीर्वाद देते आदरणीय रत्ना रूहल जी, 100 रुपए से बच्चों को आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। मेरे बड़े आदरणीय हमारे प्रेमी राजेंद्र रूहल साहब जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की व्यवस्था को संभाला, हम इनका पहले तो बड़ा धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए से अपने छोटे भाइयों का सम्मान करते हैं, रूहल साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। आदरणीय जगतू राम जी, आदरणीय ताऊ जी, 500 रुपए से इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आदरणीय रामचंद्र जी, करम सिंह कनेक्टर साहब 100 रुपए देते हैं, इनका बड़ा धन्यवाद, और 51 रुपए से भी सम्मान किया, सभी साथियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सजनों वर्णन सुनना भाई, अगर जमींदार बैठा हो असली, वो जमींदार नहीं भाई जो बूटे की धरती बेच के ने और फॉर्चूनर कढ़ा के ले रहा है, वो जमींदार नहीं होता सजनों, असली जमींदारा आज भी देहात में जिंदा है, किते खीर पूरी मांडे खुशबू हलवे की ऊट रही, आड़ी की बहु खड़ी कूण में शेर बाजरा कूट रही, आड़ी आ गया खाट बिछा दी रवा पंड्या का ने तो टूट रही, और वो कब्र के बैठ गया वो चलम तले तो फूट रही, एक कटोरी और एक बखोरा उड़े काम नहीं था थाली का, और नु बुलिया मेरी आंखें के मांस हुआ के मैंने घर देखा जवा, क्या मार्मिक चित्रण किया। दूसरे नंबर पे सारे बालक खेल खिलौने ले रहे, राजी हो रहे, लेकिन जमींदार के दो बालक सजनों देड़ी हम बैठे आरांदे जांदिया का लखावर है, क्या कहानी बनी सुनिए भाई। भाई सभी आदमी बड़का खतरे, अरे सभी आदमी बड़का खतरे, लोग खेल खेलो होए लावे थे, दो बालक बैठे देड़ी में उनकी तरफ रखावे थे, काल रात की बची खिचड़ी गोल सीत में खावे थे, मस्ती में कुत्ते बैठे रजे भी कान हलावे थे, मस्ती में तो कुत्ते बैठे भी कान हलावे थे, और चाकी धोरे चरिया होया, और चाकी धोरे चरिया होया, डंडी कपड़े थे खाली का अच्छा जमा भाई राम नरेश मास्टर जी नंदकरण माजरा से, हर कार्यक्रम में हमारा सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं,
1100 रुपए से इस पूरी पार्टी का सम्मान करते हैं, सभी साथियों का सम्मान करते हैं। बड़ी दूर से चल के यहाँ आए और हर प्रोग्राम में यहाँ पहुंचते हैं। मास्टर जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। सभी आदमी बड़का खातर खेल खिलौने लियावन थे, दो बालक बैठे थे ली पर उनकी तरफ लखावन थे, काल रात की बची खिचड़ी घोर सीत में खावन थे, अरे मस्ती में दो कुत्ते बैठे वे भी काने लावन थे। चाकी दो रह जरिया होया डंडूक पड़िया था फाड़ी का, मैं बोले यार मेरी आंखें के मां सुआ के मन कर देखिया जबाड़ी का। हर इंसान का एक सहारा होता है सजनों घर में, कौन सा सहारा होता है मां। आदमी चाहे 60 साल का हो जाओ ठोकर लाग दे नू का गायरी मां मर गया, सबसे बड़ा सहारा मां होता है सजनों। बलमत शर्मा जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, दादा का बड़ा बड़ा धन्यवाद। दोनों बालक उठ के आपकी मां दो रह गए सजनों, एरी मां सारे बालक खेल खिलौने ले रहे हैं, और आज दिवाली का दिन से मां हमने भी कुछ मिलेगा। लोगों घर बार ने पति वर्ता औरत थी दुखी थी बिचारी टोटे में, खड़िया जवाब दे दिया नुगली थारी बाप की छाती में जाके टक्कर मारो रे। दोनों बड़का का यकीन हो गया आज की दिवाली भी और दिवालियां बरगी रहेगी। कैसे क्या कहानी बनी उन मासूमों के साथ, सुनिए भाई। फिर लेन खिलौने दोनों बालक, लेन खिलौने दोनों बालक, पर माता तोरे पास गए। माँ बोली उके जी ने रोयो जिसके जाए नास गए, टूटे गुजर दोनों बालक सट बापू के पास गए। आज खिलौने नहीं मिले पर बच्चे ये विश्वास हो, आज खिलौने नहीं मिले बच्चे ये विश्वास गए। फिर सोच समझ के चाल पड़िया, सोच समझ के चाल पड़िया, वो पति तगाड़े पाड़ी का अच्छा गेला आंसू आए सजनों। अगर ऐसी ही ऐसा देहात ऐसा जमींदारा दोबारा देखने का जी कर जे महाराज आए पछे तो सटे जाए पै रागनी सुन लियो भाई, सारी रागनी आई पाऊंगी और पहलड़ी वियर नहीं भी, इसी इसी रागनी इसे इसे भजन इसी इसी फिल्म आ रही है सटे जाए पे, चाहे बापू बेटी बैठ के सुन लियो, कोई शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा भाई। आखिरी नंबर पर सजनों, घर में सबसे बड़ा सहारा औरत होती है, जिस घर में बेटी नहीं बहू नहीं मां नहीं वो घर घर नहीं होता भाई। और जमींदार का गांव में सबसे बड़ा सहारा साहूकार होता है सजनो। वो जमींदार ने सोचा आज दिवाली का दिन है तो लाला जी पर कि मैं उधार मांग लिया, लाला जी नाटक होना, लेकिन लोगों जब उस साहूकार ने देखा अक्टूबर का दिन अरियो जमींदार आ गया, दूर तय बाप गया कुछ ना कुछ मांगेगा, दूर तय बोल मार दिया भाई गहने धरण का के ले आया है। लोगों गोडे टूट के उस जमींदार के नुबलियार लाला जी जब गहने धरण का कि मैं होता तो ये दिन के मारे आवत है भाई। वहां से वापिस चल पड़ता है सजनों,
और इतना उदास हो गया, इतना हताश हो गया, नुनवा पतिव्रता औरत त्योहार के दिन और नुनो जमींदार लोगों का गांव छोड़ के चला गया। क्या कहानी बनती है आखिरी नंबर पर सुनिए भाई। फिर बनिया बोलिया बनिया बोलिया सुनो चौधरी, बनिया बोलिया सुनो चौधरी, कुछ भी सोचा ना जाया, करीब जान के करीब जान के रस्ते में किसने ओका तक भी ना प्याया, शर करड़ाई चढ़ी देख उस दुखिया का दिल घबराया, वो काम छोड़ के लोगों काम छोड़ के वो चला गया और फिर बोल के ना आया, काम छोड़ के चला गया फिर बोल के ना आया। श्री ज्ञानी राम जो चमन उजड़ गया, ज्ञानी राम के चमन उजड़ गया, मेरा पता चला रणधीर सिंह जी रोल साहब 500 रुपए से इस रागिणी खुश हो गए, सम्मान करते हैं रणधीर जी का, बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद भाई। देखिए जो ये कार्यक्रम है, जो हम स्टेज ऐप का कार्यक्रम करते हैं, कई गांव में जाना होता है, अलग अलग गांव में जावा हा ओडे भी जाके सारा ताम जाम फिर सेट करना पड़े, तो कलाकार कई है हमारे पास। गुणा गांव इसलिए सिलेक्ट करया था हमने, हालांकि ये टीम वाले साथी तो जानते भी नहीं, तेनु बोले कैथल में प्रोग्राम करना है, मां भाई कैथल में करना है तो गुणा तो बढ़िया गांव कोई कौन सुननी है, इसलिए गुणा गांव को सिलेक्ट करया था। एक एक रागिणी सभी कलाकार साथी गाएंगे, उसके बाद फिर ड्यूट की जोड़े की रागिणियां फरमाइश होगी तो वो भी सुना के जावा है भाई। अभी आप सभी सजनों ने बुजुर्गों ने युवा साथियों ने जो मेरा मान सम्मान कर 100-200-500 रुपए से, इसके लिए मैं आप सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। कोई गलती हुई हो अपना बच्चा भाई समझ के माफ करना भाई। अभी आपके सामने भाई अशोक जी मंच के माध्यम से आगामी कलाकार की अनाउंसमेंट करेंगे, बार बार धन्यवाद। एक बार विकास भाई को अपना प्यार तो दे दो, उठाओ एक बार दोनों हाथ। कमाल का कलाकार है ये, कमाल का, जो हरियाणवी संस्कृति को जो बचाने वाले जो आजकल ये प्रोता बच रहे हैं भाई, हम तो इनको सलाम करते हैं कि हर जगह जाके ये उस तरह की जो बातें करते हैं। आजकल की जो बात आपने सुनी होगी टीवी पर फोन पर दुनिया भर का गंदा हुआ है, लेकिन जो ये कलाकार आदमी है ये इस हरियाणा को लेके हम छाती खोल के कैसे कहा भाई हम हरियाणवी है, बोलो है कि नहीं, बजाओ एक बार और। और ये क्या नाम था उनका, रामफल रोहिल जी है क्या नाम उनका, राजेंद्र, राजेंद्र जी भी देखो कितना अपना प्यार दे रहे थे, हैं? बाज बाज का न्यूज 100-500 इतना प्यार जो लुटा रहे हैं ना, ये वो हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए है। राजेंद्र जी के घर चोर बढ़ के, चोर बढ़ के, अब वो रात का टाइम था, चोर बढ़ के, अब चोर ने सारा समेट समूट लिया, सबके में समेटे पास है, चोर ने छुरा काटा तो वो लोग लुगाई खड़े अपने छोरा काटते ही, बोले जी जिस घर में मैं चोरी करया करो ना उस घर में छोरा के लिए मर्डर जरूर करया करो। अब राजेंद्र जी ने तो अपना लेडीज फर्स्ट कर दी, घर वाली आके कर दी, बोले जी ले जी लेडीज फर्स्ट। अब वो लेडीज फर्स्ट कहते बोले हाँ क्या नाम है तेरा, चोर बोले छोरा काट रहा, बोले क्या नाम है तेरा, बोला जी मेरा नाम बसंती है, बसंती है जी। अब चोर ने छोरा उड़ाई फेंक दिया, बसंती मेरी नाम माँ का नाम है,
मैं तो इसी बसंती नाम की किसी भी लुगाई का कत्ल नहीं करूंगा। आ जाए भाई ब्रह्म, अब आ जा भाई तू आ जा के। अब आका आया वो छोरा ठाकर बोला है, बोले हाँ बला जी मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो। हाँ बोले बता बला जी, देखो तो मेरा नाम है नरेश राजेंद्र है, पर सारा काम प्यार तो मन नहीं बसंती है क्या। तो जनाब का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, रागनी वाला दे दियो 150 के में। चलिए हमारे बीच में एक और हरियाणा की बहुत बड़ी कलाकारा, हरियाणवी कल्चर को जो बढ़ावा देते हैं, ये स्टेज ऐप का और ये हरियाणवी कलाकारों को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच हरियाणा की एक बहुत बड़ी कलाकार ज्योति गिल जी हैं, जो आपके सामने एक अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है। ज्योति गिल जी का अपने तालियों के साथ अपना प्यार दें। ज्योति गिल जी मेरी मातृशक्ति युवा साथी, सभी को ज्योति गिल की तरफ से प्यार भरी नमस्कार है, राम राम है। और जिसने भी उस स्टेज ऐप डाउनलोड ना करा, एक बार जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो। कई रह रहे हैं, कई या नहीं कर रहे हैं, दिखे कर लिए कि डाउनलोड है? किस किस ने करे हैं? कौन ही करीब देखे, एक बार सारे डाउनलोड कर लो। और तो एक रागनी का मेरे को मौका मिला है, जब उस रोहतास कवर को सर पर डस लेता है और रानी मदनावत रो रो के ने बिल्कुल कति रुदन मचा दिया, और बाप का माली उसने एक बात के द्वारा के समझावा आज लगा देते। खत गए इसे धरन में, पैद
सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंची और शुद्ध सात्विक रागिणी पे इतना मान सम्मान किया, इस माताजी के चरणों बार बार प्रणाम करते हैं, धन्यवाद। मालिक के घर का मौत के दिन
नहीं बुलावो तो वो बकरबीक जा गई माता का के बचावो होते वो बकरबीक जा गई माता का के बचावो होते जीते जी का मेरे बजे पर किसका दावो होते वो बकरबीक जा गई माता का के बचावो होते और ये कल्चर ने मान सम्मान किया हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आएगा कैसे ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी ओ सदा ना रहे और सदा ना रहे और जमाना किसी नहीं चाहिए दिल दुखाना सारे बैठेंगे उसके बाद धीरे धीरे भूल जाएंगे आएगा चौथी बात मैं क्या बता दिया कैसे कौन किसे का बेटा बेटी कौन किसे का सालों से जुड़ा हूं लेकिन जो ज्योति के लिए की जो रागनी थी लाइव मैंने आज पहली बार सुनी इतनी खूबसूरत आवाज आप बधाई की पात्र हैं एक बार और जोरदार तालियां ज्योति जी के लिए बड़ी खूबसूरत रागनी गाई और स्टेज ऐप की बात कर रहे थे और भी कई साथी आए हैं स्टेज ऐप आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में और दुनिया में नाम कमा रहा है विदेशों तक हमारे जो हरियाणवी कल्चर को चाहने वाले हैं वो स्टेज ऐप को डाउनलोड करके उस हरियाणवी कल्चर को देख रहे हैं सुन रहे हैं और उस जो हरियाणा से दूर हैं जो हरियाणवी मिट्टी से आज दूर भी हो चुके हैं उनको अभी अगर मिट्टी की खुशबू लेनी है तो वो स्टेज ऐप पे मिलेगी आपको स्टेज ऐप आप फ्री में डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करो ये रागनी देखो किस्से देखो हरियाणवी कल्चर की जो हरियाणवी मिट्टी की जो हरियाणवी खुशबू की जो फिल्में है वो देखो और ये स्टेज ऐप मैं
थोड़े दिन पहले ही आई थी वो तो मतलब जितना भी आप देख रहे हो फोन टीवी जो चल रहे थे, लेकिन बहुत थोड़े समय में स्टेज ऐप ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो पूरे देश में पूरी दुनिया में आज नाम कमा रही है, क्योंकि वो हरियाणा की खुशबू है उसके अंदर, वो हरियाणा की मिट्टी है उसके अंदर, वो खेतों की खुशबू, वो खेतों की हरियाली है स्टेज ऐप के अंदर, वो हरियाणा का कल्चर है स्टेज ऐप के अंदर। और आज हम उसी कड़ी में दादा लक्ष्मीचंद को हम याद करते हुए उनकी एक फिल्म लेके आई थी, फिल्म आई थी यशपाल शर्मा जी आप देख रहे हो, एक बहुत बड़े बॉलीवुड के कलाकार हैं ये, बड़े बूढ़े तो शायद जानते नहीं इनको, फिल्में नहीं देखते, लेकिन जो नौजवान साथी बैठे हैं इनको पता है दादा लक्ष्मीचंद फिल्म लेके आए। और आज वो सिनेमा घरों में आती है, पहले फिल्म जो आती है वो सिनेमा घरों में चलती है, उसके बाद में टीवी पे देखते हो या फिर किसी फोन में किसी ऐप पे देखते हो, तो सिनेमा के बाद अब ये डायरेक्ट आपके फोन में आ चुकी है। और आप दादा लक्ष्मीचंद और भी बहुत सारी हरियाणवी फिल्मों का मजा ले। और इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री कृष्ण जी को और ज्योति जी को मैं आवाज दूंगा मंच पर कि वो एक रंग का एक शुद्ध एक रागणी लेके आए। श्री कृष्ण जी और ज्योति जी एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। ज्योति जी और कृष्ण जी कार्यक्रम आपके बीच में चला हुआ है। और आइए एक दो भजन जैसे आपके बीच में फरमाइश हुई है डोट रागनी आपके बीच में होगी। सुनो जिस समय वो लड़का पूर्णमल 12 साल के बाद में भवरे से निकला और जो ही उसके पिता ने आदेश दिया कि तेरी मौसी के दर्शन करके आ, जब मौसी के दर्शन करने के लिए रंग महल के अंदर गया तो प्रेमी सजनों एकदम से रानी लूणा दे के विचार बदल जाते। और पहले तो रानी के दिल में ख्याल नहीं था गंदा, डोडी ऊपर खड़ा देख लिया वो पूर्णम कैसा, और हाथ छुटा के वहां से भाग जाता है। और उधर से वो रानी लूणा दे एक जाल रचती है, एक खेल खेलती है अपने महल के अंदर, गोर अंधेरा कर लेती है। जब राजा सलेवान रंग महल के अंदर आए तो उससे कैसी बातें करती, क्या करती? रानी बोल, आपके रंग महल के अंदर घोर अंधेरा है, इसी के बात होगी। देख दूर चला जा, मैं तेरे से बिल्कुल ना बोले चाहता। क्या बात होगी? बात बहुत कुछ होगी, बस पूछ ना। उठ क्यों तड़प पड़ी मेरी नारी, ना छेड़े
मत बताई ना ना कुकर तेरे दिमाग को ठीक कर। मेरा बिल्कुल दिमाग ठीक है। अरे वो लड़का तेरे दर्शन करने के लिए आता रंग महल में। अच्छा हाँ। कुकर बना रही या तो मैं भी चल गया घर उल्टा हो मता उल्टा हो मता ईब पड़ू की बता के होई रखता मेरी से बतक डटी शरम तेरी ते बता के होई रखता मेरी से बतक डटी शरम तेरी से ना पड़े घरा चली जाती। अरे घर घर में तू दूत मार बार मानस पन साथी उठ तू राज पाठ धन दौलत मेरा कोई कुछ ना हो रहा है। कोई भी ना मेरा हो रहा है। कोई भी नहीं नहीं सुन मेरी बात सुना दे। अच्छी बात नहीं है। कोई उस कूड़ में बैठा है कोई उस कूड़ में बैठा है। अच्छा हाँ अरे न्यारे न्यारे
रकर के तू बदर बैठ समाई थरे दो आज ना मानू लुगाई रकर के तू बैठ समाई थरे दो आज ना मानू लुगाई ना तेरी अरे ओले बनी छाती अरे इसे भगत कर दोष लगा मर सामने की कच्ची उठ तू तालियां आपका बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद हेलो लभी कमाल की रागणी है और ये कमाल का स्टेज है आपका प्रोग्राम धीरे धीरे देखो शुरुआत में आए थे तो 10-20 आदमी बैठे थे लेकिन ये आप लोगों का प्यार है कि आप ये रागणी प्रोग्राम देख के सुन के काफी भीड़ होगी है तो एक बार अपने लिए इस गांव के लिए इस पूरे गांव के लिए इस पूरे गांव के जो परिवार दिया उसके लिए एक बार जोरदार तालियां पीछे जो भाई बैठे हैं पीछे जो भी साथी बैठे हैं वो भी अपना प्यार देते रहे ताकि स्टेज के जो कलाकार हैं इनको अगर आपका प्यार मिलता रहेगा आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो उसी एनर्जी के साथ आपकी फरमाइशों को पूरा भी करेंगे जिस तरह की रागणी आप सुनोगे और ये स्टेज आपका एक शानदार कार्यक्रम और जो भी साथी बैठे हैं एंड्रॉइड फोन ले रहे हैं तो प्ले स्टोर से स्टेज ऐप को तो भाई डाउनलोड कर लो और बाकी बात तो बाद में सोचियो ताकि आज पूरा गांव में कम से कम ये लगे कि भाई आज एक हरियाणवी कल्चर का जो एक खास कार्यक्रम था वो स्टेज ऐप आपके बीच में लेके आया और ये पीड़ा जो उठा रखा है कि हरियाणवी कल्चर को बचाना है और उसको बुलंदियों पर पहुंचाना है जितना आसमान को आसमान में पहुंचाना है तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग आप लोगों का प्यार चाहिए और साची बताओ हरियाणा की बात करो हरियाणा के तो भाई देखो कल्चर न्यारा है वो बूटा की बात करी थी बूटे बड़े गजब के हो हरियाणा के तो अच्छा हमारी तो ताई भी बड़ी गजब की हो है देखो वो पाँच दो चार ताई बैठी है ताई यो है मौजूद आदमी मौजूद होते हैं सारा सब कुछ हाथ में होता है ताई अर का क्यों ताई कंते क्यों नहीं बहु कितनी है पढ़ी लिखी आलो देखो अगर मैं झूठ बोलता हूँ बहु कितनी है पढ़ी लिखी आलो लेकिन जो घर का जो माल मामला सब कुछ है ना वो ताई का हाथ होना चाहिए अच्छा एक बाबा जान लग रहा काम तो लिखड़ लिया अब वो ताई की खेत कन गेड़ा मार का आई थी बाबा तो मारे नुखा बोलिया बाबा जी सुनियो सुनियो बाबा ने सोचा भले के मैं ठीक ठाक सा के मैं आज तो करका भेज जाएगी बोले हाँ ताई बोले वो करकन भी गए थे बोले करकन गया था वो बहु थी आप वह मना कर की नाटक कुछ दिया नहीं वह कौन होगी नाटक कमाल कर दिया घर की मालकन में चल मेरी गेल
अब बाबा का कथिन जी सागा वाले आज तो मौत करके बेच जाएगी बताई बाबा गेल गेल सटक 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 उल्टा ही काम मल्या पाड़ा अरे बरनाते भले ए बहू घर की मालकन में सब कुछ मेरा हाथ में तू किसी चौधरी ने बनी है तू बाबा तो नाटी क्यों करे नाटू तो मैं नाटू चल बाबा गेलो तो भाई मारी तो ताई भी बड़ी गजब की हो है चलिए इसी कड़ी में एक और प्रस्तुति आपके बीच में कृष्ण जी और ज्योति जी और श्रीमान जी ने 100 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान किया बार बार धन्यवाद और रामफल रोहल जी 100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद और आइए एक रागनी और भाई दारू के बारे में कितनी बुरी चीज है और वह दारू एक भाई शराब भी दारू पियो है और उसकी घरवाली समझाने लगी उसने बोले भाई इस दारू में कितने खोट हैं वो तो खोट गिना हुए और वो अच्छी बताओ दारू ने इंसान जगह टाइम हो रहा कहीं याद भी आ गई होगी तो कितनी बुराई करती उसकी बीरबानी और वो क्या क्या कहा मेरी बात सुने हाँ जो यह दारू है बहुत गलत चीज है इसे ने न्यू कर छोड़ दे छोड़ दूँ हाँ इब तो जी सान लग गया फिर खाली ढकता है इब पे छोड़ दूँ हाँ अरे मैं तो सारे गांव में रहने भी आई सलाह दूंगी पिया ना करो पिया ना करो हाँ क्या कहे तू सुन ले होते छोड़ पिया जी दारू अच्छा दारू ते छोड़ पिया जी दारू या दुनिया बुरी बतावे से बुरी है ताऊ दारू ये सारी बुरी बतावे हैं एक भी कौन नट है ताऊ तो पिंदा होगा जाता पर दे छोड़ पिया जी दारू दे छोड़ पिया जी दारू दे छोड़ पिया जी दारू या दुनिया बुरी बतावे से अरे दुनिया ने के तेरा पीण में जी साया वैसे और दुनिया ने के मेरा पीण में जी साया वैसे दे छोड़ पिया जी दारू दे छोड़ पिया जी दारू दे छोड़ पिया जी दारू या दुनिया बुरी बतावे से अरे दुनिया ने के मेरा पीण में जी साया वैसे और दुनिया ने के मेरा पीण में जी साया वैसे ओहो सांझ होवे दुखी के आजा काल बकै तन सारे सांझ होवे दुखी के काल बकै तन सारे तो पागल लगा के देख ले आजा तन नजारे तो पागल लगा के देख ले आजा तन नजारे रे सांझ होवे दुखी के आजा काल बकै तन सारे तो पागल लगा के देख ले आजा तन नजारे के बोलिया तो पाग लगा के देख ले आ जाता ना नजारे घर का काम कौन करेगा अगर मैं पीने लगी तो घर का काम कौन करेगा वो भी तुम्हें करना पड़ेगा अच्छा सुन ले साँझ होवे तू पी के आ जा गाल बटे तन सारे तो पाग लगा के देख ले रे आ जाता ना नजारे रे साँझ होवे तू पी के आ जा गाल बटे तन सारे तो पाग लगा के देख ले रे आ जाता ना नजारे ये रोवे की याद की लगी और
सुना जो मार कर क्या ना तू मंगाली थी मेरे तू मंगाली थी तेरे हाँ हाँ वे टूम कित है ओए हाँ वे टूम बड़ा गई वो ठेका पक गई न्यू कुकर गई डबल होनी जा रही हमें ठेका तो भी कदे डबल होया करेगे ओ जा करे अरे मेरी टूम अरे सुने इंसान सांझ का टाइम हो रहा है दिमाग खराब ना करे अच्छा मेरी बात सुन ले रिश्ता तो होना था अरे रिश्ता होने के बाद ब्याह हो लिया यार सबसे बड़ी एक बात बता तू जब की कह दारू पियो दारू पियो हाँ। तारा घर में कोई नहीं पींदा दारू ना कोई ना पीवे मैं बताऊंगा कौन पियो तारा घर में कौन पीवे जाके बता सुन ले रे मेरे पिता ने रे मेरे पिता ने मेरे पिता ने झूले में करया दारू खोरे का क्या दी तेरा भाई दो बोतल पी गया आया करण सगाई तेरा भाई दो बोतल पी गया आया करण सगाई रे मेरे पिता ने जुलम करया दारू खोरे कहलाई तेरा भाई दो बोतल पी गया आया करण सगाई तू जितनी करे कमाई तू जितनी करे कमाई तू जितनी करे कमाई सारी फेंके कर पावे से घरे एक रुपया ना देता तू सारी ठेका पे पावे और दुनिया न के मेरा पीण में जी सावे से दुनिया न के मेरा पीण में जी सावे से के छोड़ पिया जी दारू के छोड़ पिया जी दारू के छोड़ पिया जी दारू ये दुनिया पूरी बतावे से और दुनिया न के मेरा पीण में जी सावे से और अगर दारू ना छोड़ेगा हाँ? तो मैंने छोड़ दे तना छोड़ सका लेकिन दारू कौन छूटे भाई वो नहीं छूटेगी हाँ। सच्ची सच्ची इब तो रम गया मैं मारा घर आ जाऊंगी चली जा मेरी बात सुन दो सुना गाँव शिवाड़ी जाऊ पवन कुमार जिला माता के गाँव शिवाड़ी जाऊ और ईश्वर की बात मानना दूजा ब्याह करवाऊ ईश्वर की बात मानना दूजा ब्याह करवाऊ रे पवन कुमार जिला
बात मानू ना दूता ब्याह करवाऊ बोलिए बाबा निहालगिरी महाराज की। भाई देखिए मेरा पांचवा प्रोग्राम हर एक रागिणी की फरमाइश आई बार कराएंगे। भाई इसका बेस कम करके आवाज बढ़ाए थोड़ी। लेकिन राजेंद्र भाई साहब एक विनती मैं करना चाहता हूं आपसे। देखिए न्यू के आग्रह आदमी को भगवान साक्षात दर्शन नहीं देता कभी। मास्टर जी आप शिक्षा भी दो, बुद्धिजीवी हो, सुनना। किसे कह मैं तो राम आया कर, मेरा कोई काम काट देना, मैंने को मारा राजेंद्र मा को भगवान आ गया। आदमी का भगवान वो होता है जो भीड़ पड़ी में सहारा ला दे, जो उसकी दुख विपदा ने दूर करके उसको बढ़िया तरीके से जीवन जीने का रास्ता दे दे। ताराचंद में एक रागिणी है दादा लक्ष्मी की कि प्यारा मानस वो हो से जो भीड़ में काज सार दे। भाई ये ले 200 नगद रुपये मेरा पछला रफ तार दे। भाई इस जमींदार का, इस देहात का, इस किसान का, इस मजदूर का और 36 बिरादरी का भगवान कौन है? दीन बंधु सर छोटू राम। गलत कही हो तो बताओ भाई। 24 तारीख को परसों सर छोटू राम का जन्मदिवस है। पंचकुला में बहुत बड़ा रागणी कार्यक्रम है, हमारा प्रोग्राम भी हो रहा है और सर छोटू राम की जयंती मनाई जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूं वार अग्नि तो आई बार सुनाऊ। ये मौका है जन्म दिवस नजदीक, अगर आप कहो तो एक छोटी सी सर छोटू राम की रागणी सुना। एक के सुन लो मुंशी राम आई। चलो वह भी किसान की ये रागणी है, ये मन तो कोनी। मैं आज न्यू घाट गाऊंगा, मना बहुत दिन हो गया लगातार रागणी गांधे और थकावट हो रही है घनी। लेकिन चलो भाई एक रागनी जो हर बार सुनो। इंसान की इच्छाएं क्या क्या होती है, कौन कौन क्या क्या चाहता है, ये भी एक किसान जमींदार की रागनी है। भाई कौन कौन आदमी के क्या चाहे सुनो भाई। भाई तरसना रूपी झगड़ा सैया थारी तृष्णा न्यारी न्यारी और ज्ञान सुन आए हो। एक सुनियो बात हमारी जी क्या उन्होंने सम्मान किया। हर प्रोग्राम में आके मिलते हैं, बार बार धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। देखिए भाई जड़े प्रोग्राम में जावा हजारों आदमी दिखे हैं, नाम भूल जाता हूं माफी चाहूंगा, लेकिन चेहरे गुण गान के सारे चेहरे याद है भाई। एक वो करा इंद्र नाम था, वो आज है कौन मेरी ख्याल। पहले नंबर पर कौन कौन के चाव सुनियो भाई। भाई सारी दुनिया न्यारी न्यारी और सारी दुनिया हो न्यारी न्यारी सब
सबकी न्यारी न्यारी आस, जिस मानस के जिसी तरसना उसके वैसी लागे चास, सबकी भूख बराबर हो जा नहीं एक सी सबकी प्यास, देखे बुढ़ा जावे बुढ़ा जावे बुढ़ा जावे बेटा मेरा पढ़के थानेदार हो जा, बेटा जावे बुढ़ा जल्दी टिकट कटा के तैयार हो जा, फिर पाछे तक किले बेचू घर की मोटर तार हो जा, किले बेचू घर की मोटर तार हो जा, और सारी दुनिया ताता हो जा, सारी दुनिया ताता हो जा, न्यू सोचे लोग देखारी भाई, इस दुनिया का हाल सुनना, आपस में कितनी लागबाजी कितनी जलन हो रही है भाई, चुगल खोर तो न्यू सोचे, चुगल खोर तो भाई न्यू सोचे, चुगली कर बचवा झूठ गुंडे चोर लफंगे सोचे सारे बालक हो जाऊ, गंगा जी के पट्टे सोचे सबने खा ले जाय मधुत, भाई वैद्य डॉक्टर नू सोचे सारा काम बीमार हो जा, मुंशी और वकील सोचे घर घर में तकरार हो जा, वैद्य डॉक्टर न्यू सोचे यो सारा काम बीमार हो जा, मुंशी और वकील सोचे घर घर में तकरार हो जा, एक आदमी नू सोचा करता इस देश का उद्धार होना चाहिए, कौन था वो आदमी, स्वामी दयानंद सोचा करते देश का उद्धार हो जा, स्वामी दयानंद सोचा करते देश का उद्धार हो जा, और रहे सुहागण सदा लुगाई, और रहे सुहागण सदा लुगाई, वानू सोचे मनियारी भाई, पंदड़ा चावे मेरी पंदड़ी की, मेरी पंदड़ी की चंद्रमा शिशान हो, पाती बोर पटाई समधी चावे छक मदान हो, रपैया गिलास जड़े थी बढ़िया खान पान हो, भाई पहलवान न्यू सोचे भाई हाथी जितना हो जा जोर, बुढ़ा सोचे आग समर जा बालक कैसा हो जा चोर, मोटा सोचा हाथ लाग जा मन में न्यू सोचे जा चोर, मोटा सोचा हाथ लाग जा मन में न्यू सोचे जा चोर, और टोटे आला न्यू सोचे वो टोटे आला न्यू सोचे मिल जा रकम उधारी, ज्ञाने सुनने आए ओ सुनवा तमारी, ज्ञाने सुनने आए ओ सुनवा तमारी, भाई बेईमान तो न्यू सोचे, बेईमान तो न्यू सोचे सारी दुनिया बेईमान, दानी सोचे कर्म कर्म में कितना देना चाहिए दान, मैनू सोचू भरी सभा में सबके भीतर भर दू ज्ञान, भाई जिस मानस की जिसी तरसना उस मानस के वैसे काम, सांस टूट जा
आस छूट जा उसका कौन जीवन नाम आशा और तरसना कारण दुनिया कायम उन श्री राम पर लो भर लालच के घेरे में या बंद की दुनिया सारी बोली बाबा निहालगिरी महाराज की।